हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने फर्स्ट पार्ट वीडियो को देख लिया होगा। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। जो प्रॉपर्टी आपने एडिशन के लिए की थी वही प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए रहेगी, लेकिन आपको देखना ये है क्या वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है या नहीं करती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप याद करिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने एडिशन में क्या की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में पॉज करके आप अपने आप एक बार बोल के देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम उसमें हमने एडिशन किया था, अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, आंसर के ऊपर ध्यान देना है कि वो एक इंटीजर है या नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। आपने लिया -3 -7। 7 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि साइन हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस अपने आप ही आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, अब आपको याद करना है कि -3 -7 दोनों साइन आपके पास क्या है, सेम साइन है। अगर सेम साइन होते हैं तो आप क्या करते हो, नंबर्स को ऐड करते हो और उसके सामने जो साइन है वो साइन एज इट इज पुट कर देते हो। तो ये आपके पास क्या आएगा, -10। 7 + 3 10 और सेम साइन है तो ये साइन हमने सामने पुट कर दिया। तो ये आपके पास आंसर क्या आया, एक -10। बताइए इंटीजर है या नहीं है। यस दिस इज इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए वेरीफाइड होती है। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, देखिए जो भी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूं उसमें आप जिसमें जिस वीडियो में प्रॉपर्टी गिवन है उसमें आप पहले पॉज करके और अपने आप चेक करिए कि आपको वो प्रॉपर्टी लर्न है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते थे, ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करते थे और चेक करते थे कि आपके पास दोनों साइड इक्वल आई है या नहीं आई है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे आपने लिया -3 -7, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं, -7, ये -7 ही आएगा, +7 है क्योंकि ये माइनस साइन तो हम इसके लिए ले रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन है ना उसके लिए है ये 7 माइनस। सेकंड इंटीजर आपके पास क्या है, -3। इसमें हमने कौन से इंटीजर लिए हैं, इस वाले में भी और इस इन दोनों में हमने जो इंटीजर लिए हैं वो -3 और 7 ये लिए हमने। ये आपके पास क्या है, दोनों सेम साइन है तो ये आपके पास आएगा -10। सेम साइन होता है तो नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 7 + 3 10, सेम साइन है जो वो एज इट इज पुट कर देंगे हम। उसके बाद 7, अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो एज इट इज ही हम -3 पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है चेंज हो जाएगा +3। इसके पास जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है वो -10 है और जो राइट हैंड साइड में है वो +10 है। क्या ये दोनों इक्वल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए ऑर्डर चेंज करने के बाद। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें देखिए क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल लिया 4 -7, सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो ये आपने -7 दिया, -(-)2। अब इसमें आपको ग्रुपिंग करनी है, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। तो फर्स्ट टू यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिया और राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, 4 -7 -(-)2। लास्ट टू में आप लीजिए इसके अंदर ब्रैकेट। अब इसको सोल्व करिए, ये आपका एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, ठीक है। अगर एक प्लस साइन हो एक माइनस साइन हो
तो आप नंबर्स को माइनस करते हो, 7 माइनस 4 3, विच नंबर इज ग्रेटर, 7, 7 के राइट हैंड साइड में कौन सा साइन है, माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस 3, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए माइनस के बाहर अगर माइनस माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस ये माइनस साइन चेंज कर देगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो आप क्या करेंगे नंबर्स को करना है माइनस, आपको 3 माइनस 2 1, साइन आपके पास कौन सा होगा जो ग्रेटर नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में हो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन है ग्रेटर नंबर के, माइनस, तो आंसर भी आपके पास क्या आया माइनस। नेक्स्ट है आपके पास ये राइट हैंड साइड में 4 माइनस, नाउ वी विल सॉल्व ब्रैकेट, 7, ये बाहर अगर माइनस है ब्रैकेट के तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, देखिए ये वाला साइन हम भूल जाते हैं, सिर्फ इसके अंदर चेंज करके करते हैं, ये आपके पास प्लस 2 हो गया। अब 7 प्लस 2 9, 4 माइनस 9, एक आपके पास प्लस नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, 9 माइनस 4 5, ग्रेटर नंबर इज 9 और उसके राइट हैंड साइड में साइन क्या है माइनस, तो ये भी आंसर क्या आएगा माइनस। अब आप बताइए माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5 क्या होता है, ये आपके पास नहीं होता, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए वेरीफाई नहीं होती। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था कि अगर आप इनवर्स मीन्स अगर साइन चेंज कर देते हो, मान लो आपके पास माइनस 3/7 है और आप इसका साइन चेंज कर देते हैं, वो क्या होगा 3/7, और एडिटिव में आपने ऐड किया था, अब आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास क्या आना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप माइनस 3/7 को माइनस करते हो इसका जो इनवर्स है उससे माइनस 3/7, तो क्या ये आपके पास जीरो आएगा, ये तो आपके पास जीरो नहीं आएगा, ये आपके पास क्या आएगा माइनस 6/7। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी चेक करते हैं कि क्या यहां पे कोई आइडेंटिटी है, हमें करना क्या है कि आप नंबर लोगे, मान लो मैंने यही सेम नंबर लिया माइनस 3/7, इसी के लिए चेक करते हैं हम, आप नंबर लेते हो तो आपके पास इस नंबर में आप क्या माइनस करोगे जो आपके पास सेम आंसर आए, जैसे माइनस 3/7 इसमें से आप क्या माइनस करोगे, और इसका ऑर्डर चेंज भी करना है आपको, इसमें कोई नंबर था जो इसमें से क्या माइनस करोगे माइनस ऑफ 3/7 इक्वल टू आपके पास माइनस 3/7 आए, क्या ये पॉसिबल है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये आपके पास आप कहते हो कि जीरो ले लेंगे, तो ये जीरो लिया ठीक है माइनस 3/7 सेम आंसर आ गया, लेकिन जब आप यहाँ पे जीरो लेते हो ये बाहर माइनस है एक अंदर माइनस है, अगर बाहर माइनस होता तो इसका साइन क्या आ जाएगा प्लस प्लस ऑफ 3/7, ये दोनों आपके इक्वली नहीं है, तो थर्ड वाले से आप कंपेयर क्या करोगे ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सारे होल्ड नहीं करती, मीन्स सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए वेरीफाई होती है, बाकी किसी के लिए ये वेरीफाई नहीं होती ठीक है। थैंक यू सो मच।